Hello students, today we will discuss complex number questions JEE Main 2021. Question क्या कह रहा है आपका? Question कहता है the least positive integer n such that 2 iota to the whole power n अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर एन माइनस 2। और आपको पता है आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट माइनस 1। इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन की किस वैल्यू के लिए ये जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर एन की वैल्यू आप 0 रखते हो यहाँ पर, तो 2 आयोटा की पावर 0, 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 2, एन की जगह अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये ऊपर वाले तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाकर के क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा की पावर 2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से माइनस 2 आयोटा आपको मिलेगा, तो n इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 1 रख करके अपन देखेंगे तो ऊपर आएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 रखा अगर अपन ने, तो ये आएगा 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 4, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आई की वैल्यू आप 3 रखोगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो इन पर भी आपको जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा? एन इज इक्वल टू 6 पर मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एन इज इक्वल टू 6 रख करके देख लेते हैं। 2 आयोटा की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 6 माइनस 2, तो ये 2 की पावर 6 आयोटा की पावर 6 आ गया, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका ये 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर? माइनस 2 की पावर 6 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो होता है 2 आयोटा, ठीक है, तो 2 आयोटा का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, तो माइनस 2 की पावर 6 तो ये आ ही गया, 2 की पावर 2 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव इंटीजर आ गया ये, तो ये वैल्यू आपके कितनी आ रही है? 16 आ रही है, तो n इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर करके यहाँ पे देख सकते हो, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट द लाइन 2 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू जेड बार एंड 2 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा माइनस 2 जेड बार माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस दे रखी है, बी नॉर्मल टू अ सर्कल, एक सर्कल पर दो नॉर्मल की दे रखे हैं ये, है ना। इफ द लाइन ये इज टेंजेंट टू द सर्कल देन इट्स डिस्टेंस इज, तो सबसे पहले जो ये लाइन दी हुई है 2 माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा जेड बार। अब यहाँ पे जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो वो एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, ठीक है ना, आपको पता ही यही सही। तो ये आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2x मिला प्लस 2 आयोटा y मिलेगा माइनस आयोटा x मिला,
माइनस आयोटा स्क्वायर वाई मिलेगा, 2x इधर मिलेगा, माइनस 2 आयोटा वाई मिला, प्लस आयोटा x मिला और माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई मिला, 2x से 2x कैंसिल हो गया, और आयोटा स्क्वायर वाई से आयोटा स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, 2y माइनस एक्स इधर आया और यहाँ माइनस 2y प्लस एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है ना, पूरी में आयोटा से भी हमने डिवाइड कर दिया तो आयोटा आयोटा सब जगह से हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2y, यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया माइनस का, माइनस 2y यहाँ से आ गया, प्लस का x यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये 4y माइनस 2x हो गए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से आपको पता लग रहा है कि आपके पास, अब इस पूरी को भी दो से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो 2y माइनस x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू 2y है ना, या इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिख लो, तो ये आपकी लाइन वन की इक्वेशन आ गई, जो लाइन वन दे रखी है उसकी इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन वन बोल दो। इसी तरीके से लाइन टू आपको यहाँ पर ये दी हुई है, 2 प्लस आयोटा जेड जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल वो दूसरी है आपके पास, 2 प्लस आयोटा जेड प्लस आयोटा माइनस 2, जेड बार माइनस 4i इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे भी सेम प्रोसीजर से हम लाइन टू यानी कि नॉर्मल टू की इक्वेशन निकाल लेंगे, तो 2 प्लस आयोटा जेड, जेड की जगह हमारा आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और z बार की जगह आ जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस 4i इज इक्वल टू जीरो। सो 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस आयोटा x और आयोटा स्क्वायर y आएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस y आ जाएगा, प्लस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस का वाई हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 4i इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, y से ये y भी गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई यानी कि 4 आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा x, क्योंकि ये आयोटा x हो गया, माइनस 4 आयोटा, पूरी इक्वेशन में आयोटा का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 2 से भी आपकी ये डिवाइड हो रही है तो 2 से भी डिवाइड हो करके ये इक्वेशन L2 आ गई। ये भी आपकी क्या है, एक नॉर्मल की इक्वेशन है, जो दो नॉर्मल दी हुई है उसकी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमको दी हुई है L1 L2 दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, सर्कल का क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो L1 तो था हमारे पास ये x माइनस 2y, और ये आ रहा था आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड करने पर 2x जो है 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2y है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी, यानी कि 1 कोमा हाफ इज द सेंटर
of a circle, right? So 1.5 is the center of the circle और TC लाइन जो है वो टेंजेंट है L3, ठीक है ना। तो L3 भी आप फाइंड आउट कर लो, आपको क्या दे रखा है, आयोटा Z प्लस Z बार प्लस 1 प्लस आयोटा, ये दे रखा है। तो आयोटा प्लस X प्लस आयोटा Y प्लस X माइनस आयोटा Y प्लस 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आप जो निकाल लोगे L3 फाइंड आउट कर लोगे, तो L3 फाइंड आउट करेंगे हम तो ये आ रही है X माइनस Y प्लस 1, ठीक है। अब रेडियस निकालनी है आपको, सेम वही प्रोसीजर से हमने जो है L3 फाइंड आउट कर ली, और रेडियस आपको निकालनी है जो कि होती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे कोई टेंजेंट आपको दे रखी है, ये टेंजेंट है अगर इस सर्कल की, तो सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो उसकी रेडियस होगी। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है निकाल लोगे, आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वही आपकी क्या होगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी स्मॉल आर से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगी 1-1.5+1, इसका मॉडुलस, और डिवाइड बाय √2, ठीक है। क्योंकि जो लाइन का इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट आप सेटिस्फाई करा दोगे, यानी कि x की जगह तो आप 1 रख दोगे और y की जगह हाफ रख दोगे, तो ऊपर तो ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो ये -1 का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, ax1 + by1 + c और अंडर रूट a² + b² जनरल फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहाँ x1 y1 आपको क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा यहाँ पर जो है रेडियस की वैल्यू आ गई 3/√2, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया 3/√2, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।